पास आ चुके थोड़ा पहचान गए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। लगभग 20 से 21 दिन लगभग इंतजार करने के बाद फाइनली दोस्तों आरिफ भाई जा रहे हैं अपने दोस्त और बेस्ट दोस्त सारस से मिलने के लिए। देखिए यहाँ पर आरिफ भाई की गाड़ी एकदम जहाज की तरह तैरते हुए रोड को चीरते फाड़ते हुए जाती हुई और कानपुर के रास्ते, यहाँ से दोस्तों कानपुर 25 किलोमीटर दूर है, आरिफ भाई पहुँचने वाले हैं चिड़ियाघर में और वहाँ के वन विभाग के अधिकारियों से मिलेंगे और सारस से जरूर मिलेंगे दोस्तों। और देखिए क्या होता है दोस्तों, वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। हैं आरिफ भाई और सुबह निकले थे, बरस वरस नहीं किए थे दोस्तों, बरस किए हैं अभी दोस्तों, बरस कर रहे हैं अभी। देखिए दोस्तों इनको इतना बेसर्विस इंतजार था कि कब वहाँ से फोन ऑन आए और ये जाए मिलने के लिए। फाइनली दोस्तों गाड़ी से निकल गए हैं, रास्ते में हैं, बरस कर रहे हैं, बरस करने के बाद गाड़ी भी चल रहा है और देखते हैं आगे क्या होता है। आगे जो होगा आप लोग को वीडियो में देखने को मिलेगा और वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर और पुलिस के आला अधिकारी हैं इनको ले जाते हुए और फाइनली दोस्तों सारस से मिलने का खुशी का ठिकाना नहीं है। आरिफ भाई धीरे धीरे अपने गाड़ी से चलते हुए, यहाँ पर अधिकारी भी हैं कुछ, और आरिफ भाई देखिए कितना खुशी का ठिकाना नहीं है दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, फाइनली पहुँच गए हैं सारस के पास। यहाँ पर देखिए 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 असली मजा अब आने वाला है। आरिफ भाई को देखकर सारस हंसने लगा है, हंसने लगा है, खेलने लगा है, कूदने लगा है दोस्तों। दोस्ती ए दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, देखिए मजा आ गया दोस्तों। सारस नाच रहा है जैसे जैसे कि किसी को नहीं या साल दो साल के बाद मुलाकात हो रही है। सारस नाच रहा है बीच जो चिड़ियाघर में जो बनाया हुआ है चारों से गिड़ गाड़ कर, वहां पर देखिए नाच रहा है आरिफ भाई को देखकर। आरिफ भाई को जितना आरिफ भाई बुला रहे हैं उतना वो नाच रहा है दोस्तों, खुशी का ठिकाना नहीं है। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या बात है यार दोस्तों, यहाँ पर देखिए सारस कितना खुश है दोस्तों। यहाँ पर देखिए मीडिया के कुछ मीडिया के लोग भी आए हुए हैं और वन विभाग के अधिकारी भी हैं और आरिफ भाई देखिए यहाँ पर कुछ गुप्तगु करते हुए सारस से, और सारस और आरिफ भाई का बहुत ही पुराना रिश्ता है। यहाँ पर देखिए सारस एकदम व्याकुल है दोस्तों, उसमें से निकलने के लिए जैसे कि एक कैद है सारस, उसको निकलना चाहता हूँ वहाँ से, लेकिन दोस्तों क्या किया जाएगा, मजबूरी है। आरिफ भाई के भी पास मजबूरी है और वन विभाग के अधिकारी के पास भी मजबूरी है और यहाँ पर तो जो आला अधिकारी कहेंगे वही तो करना पड़ेगा दोस्तों, और नियम कानून को तो हाथ में लेकर तो चलना नहीं पड़ेगा। जो कानून सबके लिए बराबर होता है तो ही उसी का पालन करना पड़ेगा। और देखिए कितना हंस कूद रहा है, खेल रहा है, जैसे बच्चे जैसे 5 साल 4 साल के बच्चे खेलते हैं वैसे ही सारस आरिफ भाई के सामने खेल रहा है, कूद रहा है कि मेरा गुरु, मेरा गार्जियन, मेरा बेस्ट फ्रेंड आया हुआ है, खुशी का ठिकाना नहीं है दोस्तों। क्या बात है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या नाच रहा है, क्या गा रहा है, क्या नाच रहा है, सारस मजा ले दे रहा है दोस्तों। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, दोस्तों ये क्या मजा है, क्या मजा है दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए नाच रहा है, नाच रहा है दोस्तों। ओके बाय बाय, बाय सलामा।